एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक भावलिया के पास निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ 4-लेन हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। पुलिस को अंदेशा है कि टक्कर मारने वाला वाहन ट्रक या कंटेनर हो सकता है। इस हादसे में एक बच्ची और एक महिला समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरी बच्ची घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। वे सभी प्लेटिना बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार एक महिला, 3 पुरुष और एक 8 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक लगभग 1.5 साल की बच्ची घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में मरने वालों की शिनाख्त शंभूपुरा थाना क्षेत्र के केसरपुरा निवासी सुरेश और उसके परिवार के लोगों के रूप में हुई है। इस हादसे की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई। सूचना मिलने पर प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर और SP भी निम्बाहेड़ा अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। कंटेनर वाले ने धोखा उसको, जिसमें 3 जेंट्स थे, एक लेडीज थी, एक बच्ची थी गर्भ साल की, चारों 5 की डेथ हुई है और एक 1 साल की बच्ची है, लड़की फीमेल, जिसको हम लेकर यहाँ, वो जिंदा बच्ची है, उसको हम जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा लेकर